बोल बोल तू बोल दे। मैं बोल रहा हूँ वैसे तो ये बोलता है मैं डाइटिंग करूँ सच्चाई तुम देख रहे हो भाई। मैं बता दूँ ये जो चाउमीन है ना ये ग्लूटेन फ्री चाउमीन है ठीक है, ये सूजी की बनी हुई है। अभी पूछवाता हूँ कैमरा दिवा भाई ये चाउमीन किससे बनी है? सूजी से मैदा से? मैदा से मैं तो एक प्लेट पहले खा चुका हूँ, ये दूसरी प्लेट है भाई। दिवा वीडियो के सामने बोल दो सूजी की बनी है। सूजी की बनी है कल से तुम्हारे पास ही आएंगे बंदे। कैमरे में लोग आने के लिए क्या क्या करते हैं? देखो झूठ तक बोलते हैं। अबे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? आप बुलवा रहे हो, हम बोल रहे हैं। मैं बुलवा रहा हूँ, चलो ठीक है मैंने बुलवाया भाई, कोई नहीं सबसे झूठा तो मैं ही हूँ। इस बात को साइड रखते हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं? भूख लग रही थी ठीक है ना, चाउमीन हम खा रहे हैं यहाँ पे वो तो चलो बात है, लेकिन इस वीडियो का टाइटल से तुम लोगों ने पढ़ लिया ठीक है ना। हम तुम्हें अपनी उम्मीद दिखाने वाले हैं जो कि फर्स्ट कोट हो गई है ठीक है। पहला कोट उम्मीद में हो चुका है। कैमरा इधर आओ, आओ शैंक दिखाओ सामने। देखो कोई ऐसा हम यहाँ पे एक्साइटमेंट तो बहुत थी पर सरप्राइज मैं सोचा कि वीडियो के बीच में क्या देना, सीधा पहले ही दिखाता हूँ क्योंकि यार जो कुंदन भाई है अपने वो भी जा रखे हैं, कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनकी उसकी बुकिंग करने गए हुए ठीक है। तुम मुझे बताओ अभी देखो फर्स्ट शूट हुई है और मैं अराउंड 15 दिन बाद यहाँ पे दिल्ली आया हूँ ठीक है ना। लिटरली तुम मिट्टी देख सकते हो कितनी मिट्टी है यहाँ पे। फर्स्ट कोट ओनली अभी नॉर्मल पेंट है, सैटिन वाला प्रॉपर मतलब मुझे ऐसे पता नहीं है कि सैटिन अभी हुआ है या नॉन ब्लैक हुआ है या सैटिन उसके बाद होगा, जैसा भी है तुम्हें पता लग जाएगा। ये देखो ये इसका फ्रंट है ठीक है। मुझे तो बता दो तुम लोगों को कैसी लग रही है भाई? बेहतरीन लग रही, लग रही सही तो लग रही है। काले शीशे होने के बाद और मस्त लग रही है। और इसके ऊपर ना मेरा प्लान भी है ग्राफिक का ठीक है, वो तो ग्राफिक का प्लान है ऐसे से वो यूनिक होगी भाई वो बता नहीं। जब हमने पेंट बताया था लेकिन तुम लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि भाई ब्लैक पेंट ही करना है उमनी में, मैंने कहा ठीक है भाई ब्लैक पेंट ही करते हैं। तो ब्लैक पेंट हो गया ऑफकोर्स पूरा कंप्लीट होना है पर तुम लोगों की मनपसंद है, तुम लोग बोल रहे थे काली कलर में होनी चाहिए, ब्लैक कलर में विद सिरेमिक कोटिंग वगैरह ग्राफिक वगैरह सब कुछ बढ़िया से होगा। अभी तो क्या है कोटिंग पूरा होने का मतलब पूरी पेंट होने का अभी इंटीरियर में भी आना है, इंटीरियर तुम देख लो खाली है ठीक है, इंटीरियर पूरा अभी खाली हो रहा है। लेकिन चलो दोस्तों उम्मीद तो मैं दिखा दी, मैंने पीछे से दिखा ना पूरा अच्छे से लुक आ पीछे ये देखो पीछे से कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है ना। मैं कह रहा हूँ जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या इतने टाइम का वेट क्या वर्थ था। मैं जानता हूँ सिंपल इस पेंट को होने के लिए काफ़ी टाइम लग गया पर भाई ये टाइम ठीक है, रिजल्ट देख लो कैसा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा। अभी और बहुत कुछ होना है इस गाड़ी में तो बने रहो भाई साहब। बहुत यहाँ तक बच्चे खड़े चल रहे थे उनकी बॉल यहाँ पे आ गई। शांगी तू बता मेरे भाई और अपनी चाउमीन पहले अपने पास पकड़ते हैं, चाउमीन है मेरी नहीं है मेरे भाई डाइटिंग कर रहा हूँ तो छूते बता पब्लिक को सभी तभी तूने ली है वीडियो में ही ली थी तूने तो। अरे कुछ भाई मैं इतनी चाउमीन तो बैठ के देख कितनी ज्यादा चाउमीन लग रही है, ऐसा लग रहा है चार लोग खाए फिर उनका उनके लिए भी चाउमीन बच जाए और आधे आधे खा लेंगे। अच्छा तुझे कैसी लग रही भाई पहली नजर में कैसा था रिस्पॉन्स आया? बस होने वाली लॉन्च कंट्रोल एंड स्पीड। अरे वाह यही तेरा पहला रिएक्शन था? झूठ बोलेगा क्या पहला रिएक्शन क्या था तेरा दल्ले? सच बोल सस्ता पेंट कर दिया क्या? इसका पहला रिएक्शन इसका देखते ही था कि भाई तो सस्ता पेंट कर दिया। मैंने भाई इतने जज नहीं करते क्योंकि बहुत टाइम से पड़ी हुई ना ऐसे, तुम देख लो काफ़ी कीचड़ मिट्टी वगैरह लगी हुई है सूख गया, लेकिन मैं तो वन पे दिखाता हूँ तुम वन पे देखो कैसी लग रही है दोस्तों। ऑटो के पीछे बेहतरीन लुक आ रहा नहीं आ रहा? अभी और अच्छा आएगा ठीक है, अभी इन जैसे हेटर्स को और अच्छे जवाब देने हमें है ना। लवर कार लवर? अरे बोल दे मीर लवर है तू प्यार लवर है? अबे उधर लवर है कौन से? मैं तो पागल है क्या कहीं भी दिखा देता कैमरा, तुझे पता ना सोचता नहीं मैं कैमरा मोड़ते वक्त ब्रेकअप कराएगा तू मेरा बैठ के। चौमिन कितनी लग रही है भाई, ऐसा लग कितना खाता हूँ मैं, ठंडी हो जाएगी। अच्छा फिर से गर्म करवा लेते आजा। और तू तो गर्म हो ही गया है। मैं भी गर्म हो गया। तू दल्ले भाई बताना कैसी लग रही है ना। चलो चौमिन कम्प्लीट करते हैं, कुंदन भाई का वेट करते हैं कब तक आएंगे फिर तुम आएगा सीन दिखा दे। पेंट हो गई है पूरी गाड़ी पे, कम गाड़ी कंप्लीट है पेंट को जो भी करना है। हाँ हमने क्लियर कोट का सब कुछ डाल दिया, अब जब हम आपको गाड़ी हैंड ओवर करेंगे ना एक बार और क्लियर नहीं डाले। अच्छा क्लियर कोट एक डल गया, क्लियर कोट शाइन वाला डाला है? क्लियर कोट की पेंट नहीं रहता नहीं, लेकिन क्लियर कोट शाइन वाला डाला है कौन सा डाला है? मैट डाल है ना। अच्छा तो अभी शाइन वाला क्लियर कोट शटर लुक चाहिए। हाँ उसका शटल की क्लियर अलग ही आता है। अच्छा वो अलग आता है, वो डलने के बाद फिर प्रॉपर हो जाएगा। अभी जो थोड़ा थोड़ा ग्रे पार्ट लग रहा है देखने में हल्का हल्का एक जगह सब खत्म हो जाएगा। तो अभी गाड़ी के वैसे भी मैट थोड़ा लग ही रहा है। थोड़ा मैट वाला लुक आ ही रहा है। वैसे बताओ भाई इसे मुझे तो पसंद आ रही है देखने में कि हाँ यार काफ़ी बढ़िया लग रही है। और अभी तो ग्राफिक हमारा तो बच रहा है, ग्राफिक भी आपको याद होगा हमने प्लान कर रखा है, ग्राफिक भी बहुत बढ़िया होगा। इंटीरियर आपने बताया हाँ ऐसे ही कुछ है ठीक है ना भाई, थोड़ा सा अंदाजा दे दिया पर इंटीरियर का बताओ, इंटीरियर का क्या सोच रहे हो, कुछ प्लान किया आपने? हाँ प्लान किया है
क्या इंटीरियर बनाऊंगा बट अच्छा बनाऊंगा। क्या सोचा है आपने, कुछ अंदाजा दो। सोच रहा हूँ बाहर बना दो, अंदर दारू का बोतल, ऊपर से ग्लास ऐसे टंगे हुए। देख लो देख लो, पूरा छपरी वाला करने के तैयार है ये लोग, देख लो। हाँ कराने वाले कराते हैं भैया, हमने इतने वो बनाई थी। सीरियस हो गए भाई? लैम्बोर्गिनी बनाई भाई अभी कुछ टाइम पहले, लगा लो साल दो साल पहले की। और मेरे पास जयपुर से आई थी एक सरदार जी, उन्होंने बनवा के लिए। जयपुर से सरदार जी है? हाँ। अच्छा वो वहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह खोल रखा है, ऐसे जैसे होता है ना गाड़ियाँ खड़ी हो गई तो वहाँ पे लाइक पार्टी टाइप की। हाँ हाँ। तो उस टाइप की तो उन्होंने बनवा के लेके गए थे, मेरे जॉब कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ भाई। मुझे बस ये जानना है अपनी ऑडियंस से कि यार अंदर जैसे भाई सोच रहे, अभी थोड़ा सा अंदाजा दे देते हैं, जस्ट लाइक थोड़ा सा हम क्लासी नहीं, थोड़ा सा क्लब टाइप लुक, क्या बोले बार टाइप लुक, चलो ये बोतल वोटल वाला सीन तो हटाओ, थोड़ा सा हम रिलैक्स वाला अंदर सीन रख रहे हैं ना, थोड़ा जस्ट लाइक सोफा कम बेड वाला सीन अगर इतना अंदाजा दे तो कुछ वैसा रख रहे हैं। इसकी तो बहुत पहले से मन है कि भाई ऐसे ही कराना है यार, तो बहुत पहले से मूड है, बहुत पहले से ठीक, बहुत पहले से यार गाड़ी चलाओ आराम से। हाँ जब तूने ली थी। पर भाई हम ये भी तो सोचे थे कि रेक्लाइनर टाइप सीन, रेक्लाइनर वाला सीन करे, रेक्लाइनर रेक्लाइनर सीटिंग नहीं रहती ना, आगे से आपके इंजन नीचे ही होता है। हाँ मैं आप बैठते वहीं पर। हाँ रेक्लाइनर लगाने के बाद 6 इंच और उठेगा आपको, तो इसमें दिक्कत होगी छत की, और 6 इंच और उठेगा रिक्लाइनर के लिए, वो कहाँ लेके तो पीछे तो नहीं होगा, मतलब पीछे कर सकते हैं बट। हाँ वही पीछे का तो बोल रहा हूँ मैं, छत में टकरेगी, छत से काट के थोड़ा और ऊपर ले देते, वो भी तो प्लान है। चलो आपको जो सोचा है वो लोग करना है ना, क्यों क्या हुआ ऊपर हो जाएगी तो एक और खिड़की बन जाएगी ऊपर, और देख ले सनरूफ बन जाएगी, मून रूफ। चलो वो तो चलो आप जो जैसे सोच रहे हो, डबल बेड बना देते हैं ऊपर भाई। हाँ। कर दो। हाँ यहाँ से वहाँ जाओगे पैक हो जाओगे गाड़ी के साथ भाई, ये तो नेगेटिव बातें करने लगे हमसे, इतना सब टेढ़ा मेढ़ा करा रखा है, तब भी पकड़ेंगे, तब तो पैक हो रहा है। मुझे ये बताओ, चलो मुद्दा जो बताओ भाई, मैं बस जानना चाहता हूँ हाँ वही वाला चीज़ है। पर भाई मेरा मानने वाली बात ये है कि भाई जो मेरी आएगी फ्रंट सीटिंग है वो हो जाएगी ना कंफर्ट मेरा भाई, देखो उसके नीचे जितना स्पेस कम हो सकता है। हाँ वो हम करें भाई, उसका वो जुगाड़ कर दो, मैं आपको बता रहा हूँ, तुम लोग समझ लो मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, जो पीछे नहीं होती पूरी, मेरा पैर अड़ता है स्टीयरिंग पे, तो उसको थोड़ा सा कुछ जुगाड़ तो जाएगा ना पीछे करने का, या मुझे कहीं और चलाना पड़ेगा? उसमें नीचे ना उसके इंजन वहीं पर है नीचे भाई, इंजन तो है बीच में है, मतलब इसकी सीट के आसपास नीचे, मेरी सीट के नीचे नहीं है, आपके सीट के नीचे ही इंजन है, थोड़ा बीच में है, थोड़ा इस तरफ है, तो उसको ज़्यादा नीचे छेड़ नहीं सकेंगे, स्पेस नहीं है। जैसा मैं आपको कह रहा था भाई, जितना हो सकता है उतना कर दो, टॉलर लगा के इसकी सीट और पीछे तक चली आए कुछ तो हो सकता है, जुगाड़ फिर क्या लगेगा, ब्रेक वगैरह कैसे लगाओ जो पीछे उसको लेके चले जाएंगे, तो आपका तो पाँव भी तो पहुँचना चाहिए स्लेटर ब्रेक पे, थोड़ा सा पीछे भाई, ज्यादा नहीं, कुछ तो जुगाड़ हो ही सकता है। हाँ, इंडिया में जुगाड़ तो भाई सब कुछ हो सकता है। आप देखो भाई ने ऑफिस बड़ा कर दिया है, ये पहले ऑफिस यहाँ तक था, ये लाइनिंग थी ना, तो ये भी तो जुगाड़ कर दिया, ऐसे पीछे करना है बस। देखो बोल ले नहीं, ये पक्का चाहिए क्योंकि ये सबसे मेन है मेरे लिए, बताया आपको, क्योंकि जितना उसके ना एडजस्टमेंट हो सकती है भाई का, मैं भी दिखाता हूँ यहाँ पे, भाई ने एक मारुति 800 भी ला रखी है, ठीक है स्विफ्ट तो चलो है ही यहाँ पे भाई, 800 का प्लान देख रहे हो, कुछ तो खतरनाक कर रहे हो आप, देख लो अब देख कितनी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, मूड बना के एकदम है, क्या काम करने वाले हैं सब बता रहे हैं का, या सरप्राइज है, छोटा सा काम कर रहे हैं, पेंट होता है करके थोड़ा। हाँ जैसे जो नॉर्मल शॉप में होता है, कस्टम शॉप में डेंट पेंट कर देना, रैप कर देना, बैंड वही चल रहा है हर किसी में, वही आप करोगे है ना, कुछ नया नहीं करना मार्केट में, मतलब हर भी कहोगे तो नया ही मिलता, अभी एक नया करके दिया हाईलक्स में। हाँ अरे वाह भाई वाह, मैं पटना में था, ये बताना बहुत जरूरी, बहुत मजेदार बात है, पटना में था मैं शादी बैठे ना, भाई का फोन आता मुझे कि भाई दिस गाड़ी आ रही है हाईलक्स वगैरह मॉडिफाई हो रही है, मैं देखी थी स्टोरी, बोला भाई ठीक है बताओ भाई, मुझे कल बोलने करा रहे हैं भाई, कल तो मैं सकता कि मैं गया होता भाई, मैंने पूछा किसी गाड़ी है, बोलते ऋषभ पंत की, हाँ ऋषभ पंत की हेलिक्स आ रही थी, मोड़ करी है, बता दाता देखो नहीं मिलवाते फिर। हाँ हमें को नहीं मिलवाते, वो बोल रहे तुम्हें तुम्हें उंगली से फुर्सत मिलेगी तभी तो बाकी बातें करोगे, हमें मिलवाओ भाई, इतने तगड़े तगड़े बंदे आ रहे आपके पास, देख रहे हो उंगली काम डिले हो रहा है, ऋषभ पंत की वजह से उंगली काम डिले हुआ है हमारा, ये टाइटल मिल सकता है, समझ रहे हो ऋषभ पंत इस चीज़ के लिए वो है, जिम्मेवार है हमारी उम्मीद है मैट्रेस में ताला कोई देखे ना देखे, क्लिक करके ऋषभ पंत रुक देगा, क्या कर दिया मैंने भाई। और कौन कौन सेलिब्रिटी आते हैं आपके पास, ऋषभ पंत मास्टर बटर इसके अलावा? हंस रहे देखिए आदमी यार, बहन तो इज्जत ही नहीं मास्टर बटर की, बताओ ना बस, आप लोग का प्यार है आते रहते हैं, इंसानों में ही आता है मास्टर बटर ऐसे भाई, ये तो बात ठीक नहीं, बैठ करो इंसानों में ही आता। जैसे तुम लोगों को बताइए गाड़ी में तुम लोगों को दिखाई है ना, स्विफ्ट है बढ़िया बना रखी है, इसके इंटीरियर देखो, ताला जो आ गया शाहरुख अपना भाई, काफ़ी बढ़िया गाड़ी बनी शाहरुख की ना, बहुत सही, ये देखो भाई मारुति 800,
इस पर बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है भाई ने। चलो मजा उन्होंने बोला जो चीज़ कुछ बढ़िया ही होना है। वो स्विफ्ट है यहाँ पे एक और बहुत सारे पीछे अपनी उंगली भी आ गई है। अब बताओ कैसी लग रही है उंगली? तो बस ये थैंक यू। तुम पता है ना अभी क्लियर कोट लास्ट का लगना है, बाकी लास्ट में अपनी कुंदन भाई की तो है ही। ठीक है दोस्तों चलो मैं आज जरा घूमते फिरते निकलते हैं। यही भाई ये देखो यहाँ पे अपनी प्लेन और भाई बड़ी तेज आ रही है। सुकून मिलता है यहाँ पे ना, सुकून ज़्यादा आजकल मिट्टी बहुत मिल रही है आजकल यहाँ पे ना दोस्तों। अरे वाह अभी कुछ दिन पहले अभी ट्रेन में ही था, कुछ दिन क्या परसों ही था ट्रेन में। चलो सही दोस्तों, पर बेहतरीन लोकेशन अपनी फेवरेट यार, सामने देख सकते हो एयरपोर्ट है एंड अभी कुछ दिन पहले मुंबई से मारते एयरपोर्ट पे ही थे है ना। देखो ये देख रहे हो ये अपने ऐसे ही हैं घूमने फिरने आए हैं यहाँ पे। देखो वहाँ से प्लेन जा रहा है। सही दोस्तों बचपन चल रहा है अपना दोस्तों, बचपन नहीं बचपन में ऐसा होता नहीं, प्लेन जा रहा है बाय बाय प्लेन ट्रेन बाय बाय ट्रेन। यस बस निकल रहे हैं यहाँ से, मैं थोड़ा सा ऐसी स्टोरी या फिर वीडियो लेने आए थे एंड काफ़ी पुलिस वाले घूमते हैं यहाँ पे, तो पार्टी वार्टी दोस्तों नको यहाँ पे, कोई भी आके ट्राई मत करना। भाई ये देखो शैंकी भाई ने क्या लिखवाया, देखो बॉर्न टू राइड कांट लिव विदाउट इट। धोखा दे दिया है, धोखा दे दिया ना किसको, तू घूमता है गाड़ी वाले बंदों के साथ है मॉडिफाइड कार मॉडिफाइड गाड़ियों में और यहाँ पे राइड की बातें कर रहा है तू। तो संडे को जाता हूँ ना, संडे को जाते हैं राइड पे। भाई शैंकी धोखा दे देते भाई, क्यों भाई गाड़ी वाले बंदों के साथ घूम रहा है तू यार, तू ऐसे संडे संडे तो धोखा दे रहा है, मतलब तुझे फील नहीं हो रहा है? बाइक पसंद है तू तो ये बता, गाड़ी पसंद आज हो जाए मेरे को, वैसे तो बाइक पसंद है। अरे शैंकी बोल रहे अब ना ओपिनियन रखूंगा, बिग बॉस चल रहा है भाई, नंबर निकटने चाहिए हमारे। बाइक पसंद जो है वो पहली पसंद तो यही है कि कहीं से भी कहीं निकल जाते और टाइम पर पहुँचा देते जहाँ जाना है, एक्सपर्ट पर टाइम दे सकते हो किसी। काम किया कर ना कल से, अगर इतनी देर को बाइक पसंद है भाई मैं गाड़ी में घूमूंगा ठीक है, तू मेरे बगल से राइड करते निकलेगा। चल अच्छा तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते ठीक है, वैसे भी हम अपने अपने रास्ते जा रहे हैं अभी तो। भाई ये पग्गू के अंदर से भौंक रहा है यार, तू आ गया पर शैंकी केटीएम यार बढ़िया तो तेरे बचले इधर बैठी हो, इधर देखो भाई टॉम एंड जेरी क्या बात है। सोच रहा हूँ अपनी उंगली भी ना ऐसा रुक दे दूँ केटीएम ड्यूक जैसा, क्या बोलते हैं बना दूँ इधर छपरी, मैं क्या छपरी हूँ बहन से क्या हो गया भाई, चलो नहीं हो रही नहीं वो कर रहा हूँ बस स्पोर्ट्स मोड डाल रहा है इसमें। ये क्या नाइट ऑन कर रहा था क्या वो है ना, ये वाली लाइट चलती है। अच्छा अच्छा ये वाली, अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ भाई। पग्गू कहाँ है, इधर ही गई यार को तुम्हें दिखेगा नहीं ऐसे ना, देख लो आँखें चमकते हुए वो सारा नॉडी है इधर इधर है ये अभी तुम्हें दिखाई तो ज़्यादा। चल भाई चल वेट कर रहा है कि अपने शॉट का कब तेरा शॉट होगा, चल मैं चाह रहा हूँ मतलब हो गया चल चल। तो अच्छा लग रहा है थोड़ा बात लगा के नॉडी देखो भाई, अरे इतू से लेके आता है इसमें देखिए बड़ा कभी बार हिट होती रहती है ना कि साले ये भी बड़े होते हैं। यस दोस्तों ऐसे ही लगता है, देखिए जब आपको टॉप ऑन करोगे ना आपको लगेगा कि हाँ इतने से लेके आते इतने बड़े हो गए तो इसे बत्ती भर की जान नहीं है। ओए क्या हो गया अगो, बस भाई बस ये अगो ना बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, देखो कैसे ओए इधर अरे अरे पर सही है मैं तो बताऊँ ना कि डॉग्स होने चाहिए, मुझे लगता है डॉग या कैट कोई ना कोई पेट जरूर होना चाहिए ऐसा ना, एक थोड़ी सी होने चाहिए, क्यों होने चाहिए देखो ये दिखा लें ये तुम्हें देखने मिलेगा, देखो इधर देख इधर, हेलो शर्म वरम नाम की चीज़ है कि नहीं तुझे, हाँ इधर देख मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पहले मुझे ऑफर नहीं करना चाहिए तुझे, हाँ ये खुद ही लग जाएगा, पूछ कैसे ला रहे हैं हाँ भाई तुझे इतनी शर्म नहीं है, ये बोल रहा होगा साले तुझे शर्म नहीं है तू तू तो अपना जुगाड़ कर लेता है, मेरा तो क्या अगर कुछ है भाई इसकी बीडिंग की बचने बेचारे की, सोच रहा हूँ या तो भाई तुम जरा बताओ इसे कटवा दूँ या इसकी बीडिंग होनी चाहिए ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ कटवा ही दूँ साले का, हाँ इसको भी कटवा दूँ ये भाई मैं बता दूँ तुम्हें इस बारे में। चलो नेक्स्ट टाइम ये भी साला बहुत ऐसा ही है, छोटी सी टिंगी सी ऐसी पीठ ऐसे लाएगा नोड़ी के ऊपर चढ़ कर वो भी आप राम 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 रहने दो ना ही करते इस बारे में जिक्र ना। चलो ऊपर चलते हैं दोस्तों थोड़ी एडिटिंग वगैरह करते हैं, टाइम देख लो तुम 9:30 बज गया है ना, ओमनी अपडेट बताना मुझे भाई ये देखो। चल भाई पग यार मैंने ना अभी दीदी ने नोटिस संभाल रखा है ठीक है, मैंने इसको संभाला वैसे तो छोड़ ही दूंगा तो कोई अभी है नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन
मजा आ रहा है उसको संभालते हुए ना, तो मैं बड़ा था इसे छोटा सा, अलग ही जोड़ी लग रही दोस्तों। हाँ वो चाचा चौधरी उसकी नहीं, वो बॉडी बिल्डर की लगती थी साथ में, नाम नहीं बताऊँ मुझे क्या था, तुम बताना कमेंट्स में। बाकी छोड़ देता हूँ यार, ऐसे कहाँ जाएगा ये बड़ा ओबेरियन सा कुत्ता है, ओबेरियन समझ लो ना, और समझ लो, हाँ समझ लो।